यहाँ पे हम बूथ पे आके लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके वो बतौर वोटर किस तरफ सोचते हैं, किस तरफ उनका मिजाज है और वो क्या कुछ सोच रहे हैं। भैया आप लोग लाइन में खड़े हैं, अंदर जाके वोट दीजिएगा, क्या मन में है, क्या मन में बात है इस बार? मन में बात है तो जो हमारा देखता है उसको मैं देखना पड़ेगा, ठीक है, यही बात है। ठीक है, और आपको कौन देखता है अगर मैं सीधा सीधा पूछूं? अभी तो इधर मैं था तो ममता दीदी था, हाँ। उसका बाद हमारा जो था लीडर है शुभेंदु अधिकारी, वो देश के लिए अच्छा काम करता है, इसीलिए उसका अनुगामी हम लोग भी है। ठीक है, बताइए चाची, रैंडम हम लोगों से पूछ रहे हैं, बीजेपी या फिर टीएमसी? बीजेपी। क्यों बीजेपी, क्यों दादा? शुभेंदु दा। शुभेंदु दा क्या नो शुभेंदु दा? हमारे देश उन्हें ये कुछ भल काज करी थी, मतलब उन्होंने ये कहना चाहती हैं कि वो इस दे मतलब यहाँ बंगाल के लिए, इस क्षेत्र के लिए, नंदीग्राम के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, इस वजह से शुभेंदु दा को वो इस बार का अपना कीमती वोट देंगे। क्या माहौल है इस समय? अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण है, कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं है? नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा, पिछली बार का कुछ ऐसा था या फिर पिछली बार से इस बार का कैसा माहौल है? ना ना, पिछली बार बहुत दंगा फसाद हुआ इधर, टीएमसी गुंडे लोग बहुत दंगा फसाद किया था। ठीक है, आगे तक क्या परिवर्तन होगा? बीजेपी का आएगा, बीजेपी का चाहेगा, दादा के सब, दादा को सब चाहेगा। ये जो बूथ नंबर है वो 18 बूथ नंबर है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे कितने वोटर्स की संख्या है? लगभग 800 875 902 वोटर्स की संख्या है लगभग, और हमने अभी तक जितने भी वोटर से बात किया है वो सब के सब एक सुर में शुभेंदु दादा को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कारण है शुभेंदु को सपोर्ट करने का इतना ज्यादा? भूमिपुत्र है इसीलिए? भूमिपुत्र इसीलिए। ठीक है, आपने नहीं बोला क्यों? ममता ने बहुत गद्दारी किया है, अच्छा। हम फान का टाका लूटा है, हाँ। वो बहुत टाका लूट दीजिए, साथो साथी काटमानी, चाल चोर, गम चोर, ये सब चुरी किया है। इसके लिए ममता दीदी को नहीं चाहिए, हम लोग दादा को चाहिए। अच्छा, मतलब मैंने जब ये सवाल किया कि आप लोग किसको मतलब इस बार अपना वोट, इन्होंने कहा शुभेंदु दादा, और ये भी मैंने पूछा वो भूमिपुत्र हैं क्या इसलिए, तो इन्होंने कहा हाँ भूमिपुत्र हैं इसीलिए, और इन्होंने कहा कि ममता दीदी ने बहुत अत्याचार किया तो इसलिए ममता दीदी नहीं चाहिए। आपने क्या कहा, बहिरागतवा नहीं चाहिए? क्या समझ में आता है बहिरागतवा? बाहर से आएगा तो बहिरागत होगा। अच्छा, यदि मोदी जी, अमित शाह जी बहिरागत है, ममता दीदी तो बहिरागत है। अच्छा, ममता दीदी कैसे बहिरागत हो? वो तो बंगाल की बेटी कहती हैं खुद को। वो तो सब कलकत्ता में रहता था, इधर रहता था, बहिरागत होगा, बहिरागत होगा। मतलब नंदी ग्राम का ही कोई होना चाहिए, आप उसको उन्हीं को, उसका अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के बोला बहिरागत, वो इंडियन भारतवासी है, फर्स्ट टाइम सबका परिचय क्या है भारतवासी है, वो अमित शाह जी को, नड्डा जी को, मोदी जी को यदि बोला बहिरागत है, वो तो मेदिनीपुर का नहीं है, नंदीग्राम का खुद नहीं है, वो तो बहिरागत होना चाहिए ना। अच्छा, उसको बोला, बोलने के बाद हम लोग बोल रहे हैं, वो पहली बोला मुझे मोदी बहिरागत है, नड्डा जी बहिरागत है, अब आपको अमित शाह जी बहिरागत हो, वो तो मेदिनीपुर का नहीं है ना, दादा मेदिनीपुर का है, इसलिए हम लोग का एक फैक्टर यहाँ पे ये भी काम किया है कि दीदी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को, सबको एक लाइन से उन्होंने बहिरागतवा कहा था कि बिहार मतलब ये बाहर के लोग हैं, बंगाल के लोग नहीं हैं, और हम बंगाल में सिर्फ बंगाल की बेटी को ही चाहते हैं। तो इन लोगों ने भी ये पॉइंट उठा दिया कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के हैं तो इसी भूमिपुत्र हैं, इसीलिए हम नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को ही चाहेंगे। पीछे महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानते हैं। आप लोग सब वोट दे के आ गए? वोट दे दिया? वोट दे दिया। किसको दिया? दादा को दिया। दादा को दिया? क्यों दिया दादा को वोट? कैनो दादा? बांग्ला बोलिए, कोई बात नहीं, उंगली दिखाइए, उंगली उंगली दिखाइए, वोट दिया क्या, उंगली दिखाइए इस तरफ, ये देखिए। कहते हैं ना कि मतलब अगर आप गांव में आएंगे तो झूठ आपको नहीं मिलेगा, ये देखिए सच्चाई की मूरत। एक देवी जिन्होंने कहा कि इन्होंने वोट दिया है, और इन्होंने सीधा बिना डरे ये बात कही कि इन्होंने शुभेंदु अधिकारी को वोट दिया है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शुभेंदु अधिकारी, इस तरफ आइए भैया, आप थोड़ा समझाइए, इनसे पूछिए कि इन्होंने शुभेंदु अधिकारी को क्यों वोट दिया? शुभेंदु अधिकारी क्या वोट दिए? दीदी दो चार कच्चे बोले, वो जो दादा के वोट दिए।
वो बोल रहा है दीदी का जो नीति है हमारा हिंदू के लिए नहीं है, वो मुस्लिम के जैसा होता है, मुस्लिम को ज्यादा सपोर्ट करता है। वो हमारा शुभेंदु अधिकारी है, हमारा लोकल है, भूमिपुत्र है, उनको हमारा गाँव का छप्पा छप्पा पता है, जो दीदी को पता ही नहीं है तो हमारा उन्नयन कैसे करेगा। ठीक है, वो तो मतलब शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात कही थी कि आप लोग अपना मतलब बिना खाए पिए सुबह सुबह एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए, पर लेकिन वोट करने जरूर जाइए, और इस बार जो है थोड़ा विकास को वोट दीजिए, तुष्टिकरण को वोट मत दीजिए। तो इन्होंने भी उसी बात को कहा कि हम तुष्टिकरण को वोट नहीं देंगे, मतलब दीदी क्योंकि मुस्लिमों को सपोर्ट करती हैं तो इसीलिए हम उनको वोट नहीं करेंगे। और भी महिला आप वोट दे के आ गई? हमारे से बुंद के वोट दी थी। अच्छा, रामफान झड़े मन के किछु दे नहीं, और टाली टाली सब भेंगे वोट से घर द्वार मन के किछु दे नहीं, के वोट दिए। अच्छा, इस बार नंदीग्राम में भैया अम्फान तूफान का जो आया उस वो ऐसा लग रहा है कि दीदी पे सबसे ज्यादा असर किया, क्योंकि जिससे आप बात करिएगा सब एक सोर्स में यही कहेंगे अम्फान का टका नहीं मिला इसीलिए हम दीदी को वोट नहीं देंगे। इन्होंने भी कहा कि हमने शुभेंदु अधिकारी को वोट दिया। उंगली दिखाइए दीदी एक बार, वोट दिया इन्होंने भी, वोट दिया है। और भी महिलाओं से जानते हैं, आप वोट दे के आई हैं? ठीक है, उंगली दिखाइए एक बार दीदी। ठीक है, किसको वोट दिया आपने? दादा को वोट दिया। दादा को वोट दिया, क्यों दादा? इतना खुश होकर आपने ये बात बताया कि आपने दादा को वोट दिया, क्यों दादा को वोट दिया? शुभेंदु दा के वोट दिए थे। क्या नो शुभेंदु दा वोट दे छो? क्या नो मन अनफान है घर दर भेंगे चमन किछु पाई नहीं ताज जन मने दादा के वोट दिए थे। अच्छा, ये कहना चाहती है कि अम्फान का वोट था, अम्फान का समय था और मुझे दीदी की तरफ से कुछ नहीं मिला इसलिए जो है मैंने शुभेंदु अधिकारी को वोट दिया है। अच्छा, आप मुझे बताइए दीदी ने ऐसा क्या कर दिया जो इस बार आपने उनको वोट नहीं दिया? उन्हीं बोलछे दीदी की করেছে তুমি যাকে ভোট দাওনি কারণটা কি দিদিকে? এই যে মুসলিম কে সব লিয়ে আসে এখানে তার জন্য মানে দাদাকে ভোট দিয়েছি। আরে বাপ রে, यहां पे तुष्टिकरण पूरे पूरे दौर पे देखिए कि मुस्लिम को लेके आई तो इसीलिए हम नहीं करेंगे। उधर एक हेयर कट दिखाती हूं आपको बढ़िया सा, इधर आइए भैया, पीछे घूमिए, ये देखिए हेयर कट देखिए, ये देखिए इधर ऐसे स्टेबल रहिए ऐसे ही। बी जे पी, ये बीजेपी का हेयर कट, इधर घूम जाइए भैया आप, ये क्यों करवाया आपने बीजेपी का हेयर कट? इससे करने से जोश आ जाता है। जोश आ जाता है इसी, क्या करने का जोश आया? जोश मेरे भी आ, मेरे तो इस तरफ आई अपने, ये बीजेपी का क्यों हेयर कट करवाया? जोश तो मेरा आ गया, जोश सभी को लेने के लिए मैं इसीलिए किया है। मतलब सबके अंदर जोश भरने के लिए आपने बीजेपी का वो किया? आज किया है या फिर पहले किया था? पहले किया है। पहले किया, कितने दिन हो गया ये बीजेपी का हेयर कट करवाया? कल शाम को किया था। कल शाम को किया था। वो जो नाई मतलब जो बाप का बाल काट रहा था उसे क्या कहा आपने? जो बीजेपी को चाहिए इसलिए मैं सिर पे टैटू कर दूं। सिर पे टैटू कर दो? उसने कुछ कहा नहीं आपसे कि दीदी क्यों नहीं चाहिए ये वो, ऐसा कुछ नहीं कहा? दीदी सबसे गद्दर कर रहा है इसीलिए। अच्छा, कितनी उम्र हुई आपकी? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। इस बार आपने पहली या फिर दूसरी बार वोट किया होगा? कितनी? तीसरी बार हो गया। तीसरी बार आपने वोट किया। अच्छा, पहले दो बार आपने किसको वोट दिया था? मोदी को दिया। पहले दो बार भी मोदी को दिया था? दिया। इस बार तो फिर कोई बदलाव नहीं हुआ, फिर इस बार भी मोदी को दे दिया? दिया। लगातार 3 साल से मोदी को चाहने का कारण क्या है? वो सही है मेरे लिए इसलिए इसको दिया। अच्छा, क्यों सही है आपके लिए? वो सबको भला चाहते हैं। हाँ। वो सबको अच्छे ही देखते हैं। हाँ। दीदी तो बुरा ही सबको लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, सबको मालूम पड़ रहा है ना। हाँ। लेकिन दीदी ये बात को कह रही हैं कि दीदी के ऐसे एमएलए वगैरह भी कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने बूथ पे जाकर के ईवीएम को खराब कर दिया जिससे वोटर्स वोट नहीं दे पा रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं? वो झूठ है। झूठ है? हाँ। दीदी हारने वाली इस वजह से सब कह रही है? और तो हारेगा ही। हाँ। हारेगा ही, वो झूठ के झूठ ऐसे ही कर रहा है कि हम लोगों को छूट दे के। हाँ। वो ज्यादा भाव खा रहा है। अच्छा, मतलब आप लोगों को नहीं देखती हैं वो ज्यादा? देखती है। नहीं देखती है? नहीं देखती है। ठीक है, शुभेंदु दा देखते हैं? वो तो देखते हैं। कैसे आ गए तो अच्छे ही देखेगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार आपने शुभेंदु दा को वोट नहीं किया होगा? फिर किया है। कैसे किया? वो तो टीएमसी में थे और आपने बीजेपी को किया था। टीएमसी वो गलत था ना, वो इसी में था। हम तो मोदी को चाहते है ना। पिछली बार नहीं दिया था आपने टीएम मतलब शुभेंदु दा को? नहीं दिया था। इस बार शुभेंदु दा को वोट दिया? चलिए, क्यों दिया? मोदी है ना उसमें, इसलिए दिया। मोदी है इस वजह से शुभेंदु अधिकारी को वोट मिला है। ये ऐसे वोटर हैं जिनको शुभेंदु से या फिर उन सब लोगों से फर्क नहीं पड़ता, इनको मोदी चाहिए, इसी वजह से इन्होंने भाजपा को वोट दिया। महिलाएं, अच्छा आप बताइए चाची, आप वोट करके आई? वोट मोदी। मोदी? अच्छा, आप दिखाइए, उंगली दिखाइए आपने वोट किया। ये देखिए, ये देखिए, ये इन्होंने वोट दे दिया है मोदी को दिया। क्यों मोदी को दिया?
কেন মোদি কেন মোদি ভোট দিচ্ছে আমি মোদি ভালো করতেছে বলে মোদি কে দিচ্ছি হুম হুম ভালো করতে হ্যাঁ ভালো করতে কে ভালো করতে কেসে পুছু ভাইয়া কি কাজ করছে বলো বলো মোদি জি কি করেছে বলো কি করেছে না মোদি কে কাজ দিকে গ্যাস দিবা হ্যাঁ মোদি আমাদের ভালোটা দেখতিছে হ্যাঁ এই জন্য আমরা মোদি কে এখন চাইতিছি দিদি আমাদেরকে যদি এই পা এক ভা ভেঙ্গে আর এক পা দেখায় তাহলে আমারে কি করব তখন সে কাই যাবে আচ্ছা মানে আপ কে রিয়ে কি এক পা ভাঙা মানে এক পা টুটা হুয়া হ্যায় হ্যাঁ টুটা হ্যায় আর এক পা দেখা হ্যায় হ্যাঁ তো দিদি আমারা কুছ নাই কর সকতি আচ্ছা পিছলি বার আপনি দিদি কো দিয়া থা ইয়া ফির পিছলি বার দিদি কে দিয়া যেমন হয় দিদি ছিল দিদি আমাদের ভালো দেখে নি বলে আমরা দিদি কে দেই নি আমরা মোদি কে দিচ্ছি আচ্ছা মতলব ই এসি ভোটার যে পহলে ইনোনে দিদি কো ভোট কিয়া থা লেকিন ইস বার ইনোনে সোচা কি ভাইয়া ও আমারা তো কুছ কর নাই রহে হ্যায় তো ইসসে আচ্ছা কি হাম মোদি কো ভোট দে দেঙ্গে ক্যা বলে ভাইয়া আপ ইস তরফ আইয়ে हां वोट देके आए आप पहले बताइए आप वोट देके आए मुसलमान वोट देके मोदी देके वोट देके आए वोट वोट हां वोट दिया वोट दिया हां मोदी जी के किसको दिया मोदी के दिया क्यों मोदी को वोट क्यों दिया हमें मुसलमान के राग ओ दैजन दिया क्या बोले आप मुसलमान दादा के ओ इनको तो पसंद कर रहे हैं ना इसके लिए हां क्या बोल अच्छा मोदी को वोट क्यों दिया मोदी मोदी को वोट दिया ना आपने क्यों मोदी वोट दीछे मोदी अनेक काज করেছে আমাদের আচ্ছা গ্যাস দিয়েছে আর মোদি টাকা ঢুকি দিয়েছে রাস্তা করে দিয়েছে হ্যাঁ ইস वजह से हां আমাদের पिछली बार दीदी को दिया था या फिर मोदी को दिया था अगले दीदी के दिया था अच्छा इस बार क्या कारण हुआ को दीदी को वोट इस बार दादा के दिया था अच्छा ये मैंने सुना है कि नंदीग्राम में बड़ा मारपीट होता है पिछली बार हुआ था मारपीट नहीं नहीं आगे चलो ना আগে আগে মারপিট তত ছিল না এই হালে দিদি যাওয়ার পথে ছাগল টাগল বলেছে দাদাকে আচ্ছা এই যার জন্য ওই দাদাকে আমরা দাদাকে চাই আচ্ছা আপকো দাদা চাই হ্যাঁ দাদা চাই আচ্ছা ইস বার মমতা বেনার্জি যা রহি হ্যায় হ্যাঁ ও একবার চলে যায়গা ও ও পা ভেঙ্গে লে ও চলে যায়গা ও বাংলাদেশ যায়গা ও চলে যায়গা মতলব টুটে পায় লেকে চলে যায়েঙ্গে ও আর নাই চাইগে টিএমসি কে গুন্ডে লোক বড়া গুন্ডাই কর রহে হ্যায় ইয়াহ পে হ্যাঁ গুন্ডাই করে তো टीएमसी के गुंडे लोग कर रहे हैं हां गुंडे ही कर रहे तो बीजेपी के गुंडे लोग नहीं कर रहे नहीं हमारे इधर नहीं अच्छा एक बात बताइए गुंडा किस में है टीएमसी में या भाजपा किस में है गुंडा टीएमसी गुंडा है भाजपा नहीं है हां नहीं नहीं भाजपा गुंडा ही नहीं करती नहीं गुंडा ही नहीं भाजपा क्या करती है मैं वर्तमान नहीं कहूं अच्छा हमारे इधर नहीं क्या करते हैं भैया आप क्या काम करते हैं की कार्य कर छो हम भाटा काज करते हैं भाटा काज कर छो अच्छा वहां पे कुछ धांधलेबाजी होता है क्या वहां पे मालिक ने आपको बोला टीएमसी को वोट करो या फिर ऐसे होगा होगा कुछ नहीं अच्छा होगा कुछ नहीं और भी जानते हैं आप बताइए आप वोट करके आए वोट करके आए भाई किसको वोट दिए किसको मोदी को मोदी को अच्छा मोदी को वोट दिया या फिर शुभेंदु अधिकारी को वोट दिए शुभेंदु मतलब मोदी मोदी मतलब शुभेंदु अच्छा ये तो इसमें थोड़ा सा डाउट है भैया पूछिए कैसे पिछली बार शुभेंदु टीएमसी में थे तो आपने इस बार क्या सोच के वोट दिया है शुभेंदु हाँ तृणमूल में उसको हाँ, तो कुछ काम करने को नहीं दिया ना नहीं मैं ये नहीं पूछ रही मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने इस बार दिमाग में शुभेंदु अधिकारी को रखा तब वोट दिया या फिर दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी को रखा तब वोट दिया किसको दिमाग में रखे थे सही है शुभेंदु सही था हाँ। लेकिन उसको जो काम करने को नहीं दिया ना ममता ने उसको तो खाली का पोस्ट बना के रख दिया बिजली आते हाँ। चला जाते ऐसा ही बना के रखा ना इसके लिए वो मोदी के पास गया हाँ। लेकिन वो अभी काम करेगा ये भरोसा है हम लोग को गांव का लड़का है ना ये हाँ। और ममता तो पाकिस्तान से आया ना लेकिन ममता तो क्या ममता तो लेकिन ये बात है कि इस तरफ आ जाइए थोड़ा धूप आ रहा होगा तो उस समय आप दिखने रहो एक बात बताइए आप बोल रहे हैं पंडित हैं आप लोगों के भरोसे के लिए कल ममता बनर्जी ने अपना गोत्र भी बता दिया शैंडल्य गोत्र की हूँ मैं फिर भी इस बार आप लोगों ने उनको वोट नहीं किया वो तो मुस्लिम है ना वो पाकिस्तान से आया था अच्छा अच्छा ये भैया आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुस्लिम है एक अपने देश प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पंडित है हम थोड़ी ऐसा नमाज पढ़ सकते हैं क्या मुझे दया करो अल्लाह मुझे दया करो ऐसा बोल सकता क्या मैं राजनीति के लिए क्या पता वो बोल दी हूँ तो तुम ऐसा कर सकते तुम तो शादीशुदा नहीं किया अभी बोलो तुम मुस्लिम से कर सकते क्या हमारे हिंदू लोग क्या पता मतलब ये छोड़िए इनका उनका अपना पर्सनल लाइफ है उस पर नहीं जाते हैं अगर हम लोग इस पर जाते हैं कि ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं तो उससे पंडितों को कितना फर्क पड़ता है वो सब शर्म आते हैं वो पंडित उसको गोत्र बताने को हम लोग को शर्म आते हैं शर्म आते हैं ना इस बार गोत्र बता के भी कोई फायदा नहीं होगा ममता बनर्जी को नंदीग्राम से वो जा रही है नंदीग्राम में गुंडा भी गुंडा 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 नंदीग्राम में ज्यादा गुंडा पुस के गया अभी क्या मुस्लिम लोग को अच्छा ये हम लोग जो अभी ममता जीतेगा ना
हम लोग हिंदू एक भी नहीं रहेगा। कत्ल करेगा, कत्ल करेगा, जैसे बैल गाय को कत्ल करता ना, ऐसा हिंदू को करेगा। अगर ममता बनर्जी जीत गई तो हाँ ऐसा ऐसा है। इस बार क्या अनुमान आपको लग रहा है? नंदीग्राम में आप है, माहौल देख रहे होंगे, लेकिन आएगा नहीं। फिर भी उन लोग पैसा देते ना बहुत, जहाँ मुस्लिम है वहाँ पैसा पूरा गट्ठा में डाल के देते, पूरा पूरा पेटी पेटी डाल के देता है, तो उन लोग तो लचेगा ना। अच्छा, क्या कारण हुआ जो ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही है? क्या कारण है, मुख्य कारण आपको क्या कुछ समझ में आया कि हाँ भाई ये कारण है? दो तीन गिनवा दीजिए मुझे, किन कारणों की वजह से ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही है? आप बताइए ना भैया। अभी क्या है, जो उसको बोलता है वो नौकरी दिलाएगा, वो करेगा, कारखाना करेगा, कुछ तो अभी तो है नहीं। अभी दस साल तो कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? खाली पाकिस्तान से बांग्लादेश से लोग लेके आके यहाँ बम कारखाना बनाता है, यही कर सकते हैं। और बोलते हैं चप चप बनाओ, आप तो इतना लिखा पढ़ा किया, आज नौकरी मिला आपको, नहीं मिला तो चप बनाएगा, चप भेजेगा, तो आपको ये हो जाएगा क्या? मतलब नौकरी नहीं देना, जुमलेबाजी करना, ये दो कारण, और एक तुष्टिकरण एक कारण है जिसकी वजह से ममता बनर्जी इस बार हार रही नहीं चाहिए। ठीक है, और ये गुंडई का मतलब क्या क्या हुआ भैया, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ना ना, ठीक है, गड़बड़ नहीं हुआ इधर। अभी देखिए यहाँ सब हमारा जो इलाका में अभी सब में एजेंट उसका है, क्यों सीपीएम है, तृणमूल है, बीजेपी सब लोग है। अभी रिपोर्ट में क्या बोलता है, यहाँ कोई किसी को बैठने को नहीं देता, कि पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा। चलिए आपको बता रहा, चलिए तीनों आदमी है, एक सीपीएम है और तृणमूल भी है, बीजेपी है, हमारा इधर कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं। अभी जाके पूछ के आया जी, हम लोग गए थे वहाँ पे, कोई लफड़ा नहीं दिखाई दिया मुझे। इसके लिए तो बोचो, अभी अभी बोलता है यहाँ एजेंट में नहीं देता, ये गलत क्या? ठीक है बताइए आपने। ठीक है, ये भी बोलती है कि ईवीएम मशीन खराब कर दिया बीजेपी वालों ने। अब जाइए देखिए, आइए, बोल रहे बांकुरा का ईवीएम मशीन खराब कर दिया बीजेपी वालों ने, ये गलत, सब ही गलत है। अच्छा, ये हार का कहीं ना कहीं डर है जिसकी वजह से ये बात क्या? बात सही है मैडम, हारने के लिए डर लगता है, इसके लिए कोई भी तो कोई बहाना करना पड़ेगा ना मैडम। ठीक है, मतलब यहाँ से अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात किया है, ये बूथ नंबर 18 बूथ नंबर 18 902 करीब यहाँ पे वोटर्स की संख्या है, और जब मैंने लोगों से बात किया तो समझ में आता है कि दीदी की कहीं ना कहीं पकड़ यहाँ पे कमजोर है।